हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डेली डोज। मैं आज आपको पठान मूवी का रिव्यू दे रहा हूं। फुल मूवी अभी ऑनलाइन भैया नहीं आ सकता है, इसलिए कि अभी जस्ट लॉन्च हुआ है और ये शाहरुख खान सर का मूवी है, तो ये मूवी इतना धमाल मचा रखा है कि हम और आप सोच नहीं सकते हैं कि इतना जल्दी ये ऑनलाइन आ सकता है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे साइट्स हैं जहाँ पर ऑनलाइन मूवी आ चुका है और आप देख सकते हैं, लेकिन वो जो मूवी है वो हॉल का रिकॉर्डिंग है जिसमें मज़ा नहीं आएगा और कोई भी मूवी जो एक बार देखने के बाद दोबारा देखने का मन नहीं करता है। तो इसीलिए हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि प्लीज़ मूवी का वेट करें। हमारे ही डेली डोज चैनल पे मूवी आएगा बहुत ही जल्द और आपको अच्छे क्वालिटी में, फुल HD क्वालिटी में आपको मूवी मिलेगा देखने के लिए। बाकी हम पठान मूवी आपको बता दें कि 25 जनवरी को पूरे भारत में और पूरे देश में हर एक जगह पे अपने अपने लैंग्वेज में रिलीज हुआ, जिसमें शाहरुख खान सर हैं, दीपिका पादुकोण हैं और हमारे जो हैं मोस्ट हैंडसम एक्टर जिसको हम मानते और जानते हैं, बहुत ही हैंडसम जो हैं, क्या नाम है उनका, जॉन अब्राहम, थोड़ा लेट हुआ, सॉरी दोस्तों। जॉन अब्राहम बहुत ही पॉपुलर हीरो हैं जिन्होंने बहुत सारे मूवीज़ किए हैं सलमान सर के साथ, शाहरुख खान सर के साथ बहुत सारे मूवी उन्होंने किया है। ये मूवी जो है 2 घंटे 26 मिनट का है टोटल। इसमें इतना मार धाड़, इतना सस्पेंस और इतना रोमांटिक है कि आप सोच नहीं सकते हैं। इसका एक मूवी भी है, सॉन्ग भी है जिस पे बहुत बवाल हुआ था हमारे इंडिया में, जिसमें भगवा रंग दीपिका पादुकोण ने पहना था, जिसको लेके बहुत बवाल भी हुआ, लेकिन इसमें कोई एक्शन और करेक्शन हुआ नहीं। ये जैसे ही मूवी था वैसे ही रिलीज हुआ है ना, बेशरम रंग जिसको आपने सॉन्ग ने सुना है, एकदम सुपर एंड डुपर हिट इसमें सॉन्ग है। सॉन्ग को ही देख के पैसा वसूल हो जाता है। वैसे भी शाहरुख खान सर का जो भी मूवी लगता है सिनेमा हॉल में वो फुल ही जाता है, हाउसफुल ही जाता है। इसका कलेक्शन आप सोच नहीं सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया में 900 करोड़ से भी ऊपर चला गया है, जबकि इसका बजट मात्र 250 करोड़ का था और ये 900 से ऊपर 950 करोड़ भी क्रॉस कर चुका है। इसका रेटिंग 10 में 6.6 है IMDb पे और इसके डायरेक्टर सिद्धार्थ अहमद थे और डायरेक्टेड बाय यश राज फिल्म। ये जो मूवी है डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यश राज फिल्म के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हुआ था और इसके डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद जी थे। इसके कोरियोग्राफर जो है सचिता हैं और प्रोड्यूसर भाई आदित्य चोपड़ा जी हैं और इसका बजट 225 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पे इसने कलेक्शन किया 901 करोड़ का और अभी भी बहुत सारे सिनेमा घरों में ये मूवी लगा हुआ है और कंटिन्यू चल रहा है। मतलब बोल नहीं सकते हैं हम, सोच नहीं सकते हैं इतना कलेक्शन किया। इसने सारे मूवीज़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जैसे बाहुबली 2 हुआ, बाहुबली 1 हुआ, KGF मूवी हुआ, ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े फिल्म का इसने रिकॉर्ड तोड़ा है। हमारे बजरंगी भाईजान जो मूवी रिलीज हुआ था सलमान खान सर का वो भी मूवी का इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इतना ये पॉपुलर और इतना रॉकिंग एंड टॉकिंग मूवी है। इसका रिव्यू 1 नंबर का है, इसमें कोई झोल झपाटा है ही नहीं, 1 नंबर का रिव्यू है ये।
उसके बाद से ये मूवी के बारे में मैं आपको और बता दूं कि ये इसमें मतलब बताया शाहरुख खान सर हैं, दीपिका पादुकोण, जॉन इब्राहम, डिंपल कबाड़िया और आशुतोष राणा इसमें सारे रोल किए हुए हैं। कोरियोग्राफर संचित सर हैं। म्यूजिक बाई जो है सचित बलहारा है, अंकित बलहारा जी हैं। और ये यश राज फिल्म के थ्रू रिलीज हुआ है ना, 25 जनवरी 2023 को ये रिलीज हुआ था 26 जनवरी के शुभ अवसर पे। एक्चुअली क्या 25 के बाद 26 जनवरी था, तो इसीलिए 25 जनवरी को ये रिलीज हुआ था। ये बहुत सारे लैंग्वेज में रिलीज हुआ था, अफगानिस्तान में, स्पेन में, यूएई में, टर्किश में, रसिया में, इटली में, फ्रांस में, इसमें बहुत सारे जगह पे ये मूवी रिलीज हुआ था। आपको बता दें कि डॉलर मतलब 1.9 मिलियन इसका जो है ना प्राय मतलब कमाई हुआ है। खतरनाक अभी भी चल ही रहा है, ये सारे जगह सभी मूवी में अभी चल ही रहा है, इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं कितना बताऊँ कितना बोलूँ, ढाई घंटा हमारा कमेंट करना बहुत बड़ा चीज़ हो जाएगा इस मूवी को लेके। लेकिन मैं क्या बताऊँ, स्टार्टिंग में ही झलक दिखता है इसमें शाहरुख खान का, और आप स्टार्टिंग में ही समझ सकते हैं कि मूवी कितना अच्छा हो सकता है। और जैसे इसका पब्लिसिटी तो पठान मूवी का ऐसे ही मिल गया, जैसे दो गाने पे, एक गाने पे बेशरम रंग गाने पे जो इसने बवाल हुआ इंडिया में, उस वहीं से ये मूवी चमक गया पूरा। और सभी जानते थे कि हाँ ये मूवी एकदम हिट करेगा, भले ही इसके ऊपर कितना भी विवाद हुआ, कुछ भी हुआ, जैसे भी हुआ, लेकिन ये मूवी एकदम ख़तरनाक है। शाहरुख खान सर के जितने भी पुराने मूवी है, जैसे बाजीगर है, इन सारे मूवी का ये रिकॉर्ड तोड़ मूवी है। हम तो चाहते हैं कि शाहरुख खान सर का ऐसे ही मूवी आते रहे और लाइफ में हमें देखने को मिलते रहे। मैंने भी इस मूवी को देखा गुवाहाटी में, जो कि अनुराधा कॉम्प्लेक्स में लगा हुआ था। मुझे खुद इस मूवी का टिकट नहीं मिला, मुझे तीन दिन चार दिन बाद टिकट मिला। मैं जबकि गया था 25 को ही, लेकिन ये मिला नहीं। और ये 25 जनवरी को पला ऐसा बहुत सारे मूवी है, लेकिन ये 2023 का पला ऐसा मूवी है जो शुक्रवार के दिन ना रिलीज होके दूसरे दिन रिलीज हुआ। एक्चुअली 25 जनवरी को शुक्रवार था नहीं, फिर भी ये रिलीज मूवी हुआ, इस मूवी का इतना क्रेज़ था। 25 जनवरी को बुधवार था और 26 जनवरी के शुभ अवसर पे इसलिए 25 जनवरी को इस मूवी को रिलीज किया गया, ताकि इस मूवी का जो क्रेज़ बढ़े, लोग देखें और बेहतरीन तरीके से देखें। इसमें इतना एक्शन है, इतना एक्शन कि आप सोच नहीं सकते हैं, भयानक तरीके से एक्शन है। हेलीकॉप्टर पे एक्शन है, हेलीकॉप्टर से शाहरुख खान गोली चला रहे हैं, दीपिका पादुकोण में उनसे लव करती है, थोड़ा थ्रिलर भी सीन है, सस्पेंस भी है, लव भी है। और इस मूवी के बारे में बहुत कुछ है, लेकिन हम क्या बताएं, अगर मैं सारी चीज़ें बता दूं तो आप नहीं जा पाओगे मूवी देखने के लिए हॉल में, इसीलिए मैं ज़्यादा आपको बताऊंगा नहीं, बट आपको बता दूं कि हाँ आप इस मूवी को देखो, जाओ और इंजॉय करो। इसके बारे में मैं आपको और सारी डिटेल्स बताते रहूँगा और आपको मैं बताऊँगा। पठान मूवी जल्द ही जल्द हमारे ही चैनल पर आएगा फुल HD में, आपको देखने को मिलेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आप इंजॉय करेंगे इस मूवी को लेके, बहुत इंजॉय करेंगे, क्योंकि ये मूवी एक नंबर है। इस मूवी का कोई तकड़ ही नहीं है। वैसे अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो www.vijaysolution.com पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे साइट्स हैं जिस पे ये मूवी आ चुका है, और दूसरा भी साइट है www.123movies.in, साइट पे भी आप जाके इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये कोई HD में नहीं हो पाएगा डाउनलोड, ये बस आपको ऐसे ही रिकॉर्डिंग किया हुआ आपको मूवी मिलेगा, क्योंकि मज़ा नहीं आएगा। आप खुद समझ सकते हैं कि रिकॉर्डिंग किया हुआ मूवी कैसे आता है, किस टाइप से आता है, इसीलिए मज़ा आएगा नहीं इस चीज़ को देखने में। तो हम यही कहेंगे कि आप प्लीज़ इसको ना देखें रिकॉर्डिंग मूवी, आप जाएं सिनेमा घरों में, इसे देखें, इंजॉय करें। और मैं आपको बीच बीच में इस मूवी में सॉन्ग भी देते रहूँगा, इस मूवी के थोड़ा थोड़ा सॉन्ग भी देते रहूँगा, जिससे आपको इंजॉयमेंट होगा। इसका आप ट्रेलर भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे ट्रेलर इसका अवेलेबल है। और एक नंबर
ड्रेसिंग है इसमें, एक नंबर एक्शन सीन है। टाइगर वगैरह फैन से लेके धूम सारे एजेंट में सारे जितना ये मूवी है ना सारे एक नंबर, सबका रिकॉर्ड तोड़ चुका है। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं पक्षोदी कर रहा हूँ, लेकिन भैया ऐसा नहीं है। ये मूवी का जितना तारीफ किया जाए कम है, ये मूवी उस लेवल का है, एक नंबर मूवी है। और ना ही मैं इसका प्रचार कर रहा हूँ कि आप जाओ देखो। हम बहुत कम मूवी देखते हैं हॉल में, जो देखते हैं उसी का हम रिव्यू करते हैं, उसी को हम बनाते हैं ताकि लोगों को लगे कि हाँ कुछ अच्छा हमने बनाया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितना हो सके वॉच करें ताकि हमें और उत्साह मिले कि हम और अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए लेकर आएँ। हमारे चैनल पे जो होता है रियल वीडियो होता है, हम जहाँ भी टूर करते हैं घूमते हैं वही चीज़ वीडियो डालते हैं। थोड़ा क्वालिटी गलत मतलब अच्छा नहीं रहता है क्योंकि हम मोबाइल से वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करेंगे तो आगे चल के मैं भी DSLR कैमरा लेके और आप लोगों को अच्छी अच्छी मूवीज दूंगा, अच्छी अच्छी चीज़ें वीडियो आपको शेयर करूँगा, बना के डालूँगा। बहुत सारे थीम हैं, बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे वीडियोज़ कंटेंट्स हैं जिसको लेके आदमी सोचता है कि हाँ बनाएगा बनाएगा, लेकिन उस लेवल की सुविधाएं नहीं है कि हम आपको दे पाएंगे और बना पाएंगे। तो गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारे वीडियो को देखें। आप जितना शेयर करेंगे, जितना सब्सक्राइब करेंगे, जितना देखेंगे उतना हमारा सपोर्ट होगा आपकी तरफ से। तो आप एक बार पठान मूवी जाके हॉल में ज़रूर देखें। अगर आप नहीं देख पाते हैं तो हम आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर ये मूवी अपने चैनल के थ्रू रिलीज करेंगे, वो भी फुल HD में। धन्यवाद।